आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने स्किल्स मैथमेटिक्स में इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करूंगा आपको टू फॉलो। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उस प्रॉब्लम को रीड कर लेने के बाद, अच्छी तरह समझ लेने के बाद, आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको कुछ समय लेना चाहिए टू बिल्ड एन आइडिया। इसमें कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे वंस यू गेट सम एल्गोरिथम फॉर द प्रॉब्लम देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन विल बी टू द पॉइंट ऑल्सो। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी काम को वेल प्लान्ड, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसमें सक्सेस की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है, और वहीं बगैर सोचे समझे हम किसी काम को करते हैं तो उसमें आपके फंस जाने के काफ़ी संभावनाएं बन जाती है, राइट? मेरा अगला पॉइंट है, एक बार जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते ही इमिडिएटली यू मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। तुमको ऐसा लगता है कि तुमने जो किया है वो सही किया है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी एक हैबिट होनी चाहिए खुद को डाउट में रखने की कि मैंने जो किया है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई सिली मिस्टेक हो गई हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जस्ट आप गो थ्रू करो अपने स्टेप्स को तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर उसमें कोई सिली मिस्टेक है या कोई कंसेप्चुअल ब्लंडर किया है आपने तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि आप इमीडिएटली चेक कर रहे हो। हाँ, मैं 100% तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर पाओ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगी। और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करेगा। जब हम अपने को चेक करते हुए आगे मूव करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ यार, मैंने चेक किया था और सब कुछ मुझे ठीक लगा था, तो उससे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगा। नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आसान हो, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, टू द पॉइंट, जिसको आपने बहुत आसानी से एक स्टेप वे में कर दिया कि हाँ ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, राइट, इट इज़ डन, गुड। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होंगे जो आपको एट वंस एकदम से आइडिया नहीं क्लिक करेगा, आपको बहुत मुश्किल से आइडिया आएगा, और जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाओगे और मे बी पॉसिबल कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ 8-9 स्टेप्स में जा करके हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। लेकिन अब मेरा कहना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो सेम प्रॉब्लम को एक बार रीथिंक करो। आई एम श्योर कि जो मुश्किल बातें होती हैं उनका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट होता है, कोई ना कोई ऑल्टरनेट आइडिया होता है जो कि उस प्रॉब्लम को आसान करेगा, और अगर आप सोचोगे तो आपको वो आइडिया मिलेगा जरूर। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप जो बात कर रहे हो कि ऑल्टरनेट आइडिया है ना, तो ऑल्टरनेट आइडिया मे बी पॉसिबल कि जो आपका 8-9 स्टेप्स का प्रॉब्लम हो रहा था वो 2 स्टेप में हो गया। तो आप लोग कह सकते हो कि सर दिस इज व्हाट वी कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक, है ना, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। इनफैक्ट ये जो मैं आइडिया आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है इन डूइंग द प्रीवियस सॉल्यूशन, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया से हुआ। ये वो आइडिया है जो कि आपको सोचने में, आपको अपने आप को डेवलप करने में ज्यादा दिक्कत देगा। आप इस तरह से, आप एक तरह से आप वेल स्किल्ड हो, आप इस तरह के आइडिया सोच पा रहे हो जो कि लोग एक लॉन्ग स्टेप में कर पा रहे हैं, वो आप विद इन सेकेंड्स कर पा रहे हो। तो इट मींस कि आपका जो कंसेप्ट
क्लैरिटी है, जो डेप्थ है, आपको सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज है। और हम सभी लोग जानते हैं ना, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, कई सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर में और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि एक प्रोग्रामर कोडिंग करेगा नॉर्मल वे में, जिसको प्रोग्राम रन करने में टाइम लेता है, और वही एक स्किल्ड प्रोग्रामर हो सकता है सेम प्रोग्राम को इन वेरी एफिशिएंट वे कि आपका रनिंग टाइम जो है वो बहुत कम समय ले। तो अनडाउटेडली ये जो स्किल्ड प्रोग्रामर है, ही इज गोइंग टू गेट हाई सक्सेस इन हिज लाइफ, राइट। तो हमें अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि जो मेथड्स लोग सोच नहीं पाते हैं, मैं वो मेथड्स टू द पॉइंट एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आइडेंटिफाई कर पाता हूं। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, एज आई सेड, ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड से बिफोर मैं कहूंगा कि कोविड से बिफोर इस आइडिया से मैं भी फैमिलियर नहीं था। मैं एक रेगुलर है ना क्लासरूम टीचिंग बोर्ड एंड मार्कर से पढ़ाता था, लेकिन जब सडनली कोविड सिचुएशन आया तो हमको ये सीखना पड़ा। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, आई फाइंड कि ये तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे है, ये तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट मेथड है टू स्टडी। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैंने देखा कि एक्चुअली जो लर्नर है वो एक्चुअली इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं सोच पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। वो क्या समझ रहा है कि ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि लाइव क्लास हो रही है, उसको देखो और देख करके बंद करके बस चले जाओ। वो एक्चुअल में कुछ नोट डाउन ही नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी। वो चैट सेक्शन, जो चैट सेक्शन होता है, चैट सेक्शन में क्या करता है, यहां क्लास चल रही है, वो चैट सेक्शन का एक्चुअल यूज क्या है और वो क्या यूज कर रहा है। चैट सेक्शन का यूज है कि जब बच्चा, जब टीचर कोई प्रॉब्लम दे तो लर्नर को उसका रिप्लाई उस चैट में देना है। लेकिन लर्नर क्या करता है, यहां कोई टीचर कोई आर्टिकल पढ़ा रहा है पैराबोला, और लर्नर लिखता है कि सर मैट्रिसेस आप कब पढ़ाओगे, है ना। तो इट मींस कि आप अपने क्लास में नहीं हो, जो चल रहा है आप उसके बारे में बात करोगे या कि कहीं और। और भी एक मजेदार बात क्या कि जब मर्जी हुआ लेक्चर के बीच में उठे चले गए। तो मेरा ये कहना है कि जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन एजुकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। द ओनली डिफरेंस विच आई फाइंड, जैसे आप क्लासरूम में एक टीचर के सामने जब बैठते हो तो आप उसको सुनते हो, आप कॉपी में पेन डाउन करते हो, लिखते हो सब कुछ जो बता रहा है ना, और आपका वो लेक्चर ओवर। तो आई थिंक सेम शुड हैपन इन ऑनलाइन ऑल्सो। अगर आपका ऑनलाइन लेक्चर 90 मिनट्स का है तो मेक श्योर कि उस 90 मिनट्स में आप लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने नोट्स इमीडिएट बनाओ, और जब लेक्चर एंड हो तो उसके बाद आपको उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं देखनी है, आपको रिवीजन के लिए अपने ही नोट्स को देखना है। उन नोट्स को देख करके जो भी मुश्किलों से आपको समझ में आएगा आपको वही करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आसानी से मिल जाती है वो आप अप्लाई नहीं हो पाती है, अप्लाई वही होता है जो हम मुश्किल से अटेन कर पाते हैं। तो जो डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन में है वो सिर्फ इतना है कि एक में आप इंस्टीट्यूट में जाकर के क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते हो, और ऑनलाइन में आप घर पर बैठ करके लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेम लेक्चर देखते हो, बाकी इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई होप कि मैंने ये जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप लोग डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाओगे। इन द एंड आप सभी लोगों को मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।